अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये फोटो के बारे में तो जीत को पता ही नहीं है, जब देखेगा ना खुश हो जाएगा। लंबी धारी बिखरे बाल, फोटो कहाँ रखे? हाँ वहां रखते। लगता है जीत आ गए। एक काम करते ना, हम कहीं छुप जाते और छुप के उनकी आंखें बंद कर लेंगे, बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। कहाँ छुपे गोपाला? दरवाजा, ये सही है। ये कमरा पहले से कैसे सजा हुआ है? ये कृष्णा यहाँ कहाँ कर रही है? इसे कैसे पता कि हम इस कमरे में हैं? कहीं कृष्णा को सच तो नहीं पता लग गया? जीत, कृष्णा वो इतना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने हमें। हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करने का, पर हमसे पहले ही तुमने इतना अच्छा सरप्राइज, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। तो ओह अच्छा, तो हम अब समझे कि तुम हमसे गुस्सा नहीं थे, बल्कि गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। अब दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे या फिर हम अंदर भी जाएंगे? घर जाकर ना हम सबको बताएंगे कि तुमने हमें कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। कितना सुंदर लग रहा है कमरा, इतना अच्छा कमरा इतने कम समय में तो हम कभी नहीं सजा पाते। हम इस कमरे से बाहर तो नहीं जाएंगे जी।
तुमसे किसने कहा कि ये कमरा हमारा है कृष्णा? अरे वो नीचे बता तो रहे थे तुमसे कि तुम्हारे कमरे का नंबर 2246 है, और वो देखो हमारा नाम भी तो लिखा हुआ है वहाँ पे। वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस नारायण। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया था। पर तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि तुम्हारे हमें यहाँ लाने से पहले हम खुद ही यहाँ चले आए और हमने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया? हमें माफ कर दो, पर हम क्या करते? हम इतने खुश और इतने ज्यादा उत्साहित थे ना कि हम खुद ही यहाँ चले आए। अब खैर ये सब बातें छोड़ो, अब चलो ना। तुम जानते हो इतने कम समय में इतना सुंदर कमरा हम कभी नहीं सजा पाते। तस्वीर देख ली तो उसे पता लग जाएगा कि मैं ही वो जीत हूं जिसे गोपाला अपना पति बोलती है। तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, सब क्या हो रहा है जीत? गोपाला तुम यहाँ? हाँ हम। अगर तुम्हारा ये सब हो गया है तो तुम इस कमरे से जा सकती हो। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? ये पति हैं हमारे और हम इस कमरे से क्यों जाएंगे? क्योंकि हम जीत की पत्नी हैं, तुम नहीं कृष्णा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें रोक रहे हो? हाँ हमें। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? ये कह रही है कि तुम इसके पति हो, तुम और हम। ये सुनकर तुम्हें ना इसे कमरे से बाहर करना चाहिए था, धक्के मारकर, लेकिन उल्टा तुम हमें रोक रहे हो। तुम चुप क्यों हो?
बोलो ना, चुप क्यों हो गए? बोलो जीत। ये तुमसे कहा कहेगा कृष्णा? जीत तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमरे लिए यहां तक आ गए। आखिरकार जब तुम्हें सब कुछ पता चले गया है तो चुपचाप यहां से चले जाओ। ये क्या क्या कह रही है ये? औजी का कॉल। देखो गोपाल, हमने कृष्णा के सामने तो सब कुछ सेट कर लिया, पर हम बाबूजी के सामने नहीं कर पाएंगे। हमारी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं हमारे लिए। हम उनसे दूर नहीं रह सकते, उनके साथ रहना है हमें। बाबूजी का फोन है। बाबूजी का वीडियो कॉल है। अरे वाह, तुम लोग आराम से पहुंच गए ना वहां पे? कमरा ले लिया होटल में? हाँ बाबूजी, हम लोग आराम से पहुंच गए। और आप जानते हैं, जीत ने ना हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। इतना अच्छा तो हम सोच भी नहीं सकते थे। जीत ने हमारे लिए पूरा कमरा सजाया। अच्छा रुकिए, हम दिखाते हैं आपको। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखिए। हाँ बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना सब। लाके फंस गए हैं एकदम, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकले। देखो गोपाला, तुमने चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अपना मूड खराब मत करो। फिलहाल के लिए ना हमें कृष्णा से थोड़ा बच के रहना होगा। और प्लीज थोड़ा हमारे और हमारे परिवार के बारे में भी सोचो। कोशिश कर रहे हैं हम सब ठीक करने की। जीत, वहां खुद से ही क्या बड़बड़ किए जा रहे हो? बाबूजी से बात करो। हाँ आते। तुम कोशिश करो या ना करो जीत, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, हम सब कुछ ठीक करके ही रहेंगे। गोपाल कह रहे भी हमें तो कहीं क्यों नहीं। Thank you.
क्या बात है, कमाल की खूबसूरत लग रही हो तुम। वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लंबी दाढ़ी पिछले बार का ज्यादा हो गया? ये ड्रेस हम तुम्हारे सामने नहीं पहनेंगे तो किसके सामने पहनेंगे? देखो तो जरा, लग रहे ना बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइन के जैसे। कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हमने आज से पहले तुम्हें ऐसे कभी देखा नहीं ना। बहुत खूबसूरत लग रही। के साथ तो वो दूसरी वाली मैडम थी ना, फिर ये कौन है? जीत ने कहा था आते समय वो वाउचर ले आएगा, अब पर इतना समय हो गया तक आया क्यों नहीं? कहाँ है क्या? हाँ फोन करके पूछ लेते हैं। कृष्णा का कॉल है। काजीत, तुमने हमसे वादा किया था ना कि तुम अपना सारा समय हमें दोगे, तो इधर दो ना ध्यान। नहीं हाँ, हमने बोला था और हम उस बात पर भी हैं, पर हमारा यकीन मानो हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे उससे, बस इतना बोल रहे हैं कि वो हमारा पार्टी के लिए वेट ना करें। बड़ी एक्साइटेड थी कृष्णा पार्टी के लिए, कम से कम हम इतना तो बता ही सकते हैं ताकि हमारा इंतजार ना करे। फोन काट दिया, लगता है बिजी होगा। जी तब तक आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया? अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। हेलो, कहाँ रह गए तुम? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पार्टी शुरू होने वाली है, जल्दी आओ ना। हाँ हमारी बात सुनो, हम वही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया है, हम थोड़ा ऑफिस के काम में फंस गए हैं, पार्टी में आने के लिए लेट हो जाएंगे, तो तुम इंतजार मत करना हमारा। अरे पर हम अब अगर जीत नहीं आएगा तो फिर हमारा इतना अच्छा तैयार होने का क्या मतलब? और 7 बजे तो हमें जीत को वो प्रसाद भी खिलाना था, पर 6:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, क्या करेंगे हम, कैसे खिलाएं वो प्रसाद? वो प्रसाद नहीं खिलाया तो एक काम करते हैं, जहाँ जीत है हम वहीं चले जाते हैं, वहीं जाकर जीत को ये प्रसाद खिला देते हैं, बस एक बार वो प्रसाद खा ले, उसके बाद हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, उसे उसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ पार्टी में सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, काश जीत भी हमारे साथ होता तो हम दोनों भी बहुत एंजॉय करते, पर काम भी तो जरूरी है ना, और काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और जीत हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? वैसे भी हम तो जा ही रहे ना जीत से मिलने। हाँ
मैम आप अकेले, आपके लिए टेबल। ये तो ठीक जैसा लग रहा है। अब नहीं, रहने दीजिए, हम बस जा ही रहे हैं अपने पति के पास। हम एक मिनट में आते हैं। अब देखिए दंगल प्ले पर टीवी से पहले।